हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आपका डीप कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपका इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, ठीक है, वो आपके बारे में आज रात लेट नाइट यानी कि देर रात वो क्या सोच रहे हैं, देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं। आज की रीडिंग में काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हमें जानने को समझने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज देर रात क्या सोच रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर देर रात क्या सोच रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच, सो गाइज आप लोग को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, ठीक है। राखी आप लोगों के लिए कल मैंने बताया था, अब ये राखी पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। कल भी ऑफ़र था, सॉरी आज ऑफ़र था, आज भी ऑफ़र था, आज या कल ऑफ़र था, सिर्फ आज कल ऑफ़र था, ठीक है। लेकिन आज रात से है ना आप लोग इसकी बुकिंग कर सकते हैं 50% ऑफ, ठीक है, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा ये राखी। और ये स्टोन से लगा हुआ है, स्टोन से बना हुआ राखी है, जो कि आपके पार्टनर या फिर कहें तो आपके भाई की हीलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करेगा ये राखी, ठीक है। आप ब्रेसलेट भी चाहें तो अपने पार्टनर के लिए ले सकते हैं, और राखी आप अपने भाई के लिए ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें हीलिंग क्रिस्टल्स डाले गए हैं जो आपके भाई की काफ़ी अच्छी हीलिंग करेंगे, ठीक है। सब कोई अपने पार्टनर के बारे में सोचता है, कुछ लोग तो होंगे ना जो अपने भाई के बारे में सोचते हैं, और 500,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है, है ना, हमारे भाइयों के लिए। मैं तो कुछ नहीं मानती इस पैसे को अपने भाइयों के सामने, मेरे भाई सबसे सबसे अनमोल हैं तो भाइयों के लिए 500,000 की राखी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको राखी को लीजिए, और ये जो राखी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, आपके भाई के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड रेडी हो गए, कार्ड अब इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम रेडी हो चुके हैं। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ। लेट नाइट क्या सोच रहे हैं? यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, टेन ऑफ वांड्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट। मेरे पास है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, इनको मैं साइड कर देती हूँ। लेट नाइट क्या सोच रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ, टू ऑफ कप्स, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तुझे से मिलने को, ऐसा कुछ सॉन्ग है, मैं भूल गई
सॉरी मैं भूल गई सॉन्ग। तो ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा था। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा था, और इसमें काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव सी वाइब्रेशन है, काफ़ी स्ट्रांग सी वाइब्रेशन है, काफ़ी अच्छी एक सोल कनेक्शन की जो है ना एनर्जी मुझे फील हो रही है इस कार्ड में। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है अब कि ये पर्सन ही मेरा सोलमेट है, ठीक है। आपके पार्टनर जानने लगे हैं, आपके पार्टनर समझने लगे हैं कि ये मेरा एक सोल पार्टनर है, सोल कनेक्शन है इसका मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ज़्यादा डीपली सोचना चाहिए। साइन बता देती हूँ पहले, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन का स्ट्रॉन्ग साइन है, टॉरस का स्ट्रॉन्ग साइन है, एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस बता रहा है, ठीक है। तो ये साइन अवेलेबल है, ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों सेम जेंडर सेक्स हो, या फिर दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे खासे कह सकते हैं कि कोई उम्र ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं है, ठीक है, उम्र के फासले कम हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों का तो ज़्यादा ही है, कुछ लोगों का दिख रहा है कि ज़्यादा है, और कुछ लोगों का बहुत कम है, बहुत कम, 2 महीने 1 महीने, छोटी बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं कार्ड्स की। आपके पार्टनर अभी ना मेंटली स्ट्रेस में है, ये पर्सन मेंटली स्ट्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लॉस फील हो रहा है, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, बहुत बहुत बर्डन है, बहुत परेशानियां हैं, लगता है कि अपने जीवन में पता नहीं ये पर्सन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना अकेलापन है, सेक्रीफाइस है। यहाँ पे आपके पार्टनर ना अब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन दुनिया छोड़ देंगे दुनिया छोड़ देंगे, पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, इनकी खुद की फैमिली, इनका फाइनेंस, इनका करियर सब कुछ अभी चौपट हो पड़ा है, क्योंकि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनके मन में ना बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स, ये पर्सन के मन में डाउट्स तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन कहीं ना एक होता ना कि जैसे कि अपनी उम्मीद है ना आपसे जोड़ के बैठे हैं, अपनी उम्मीद आपसे जोड़ के ये पर्सन बैठे हैं, और अपनी उम्मीदों के बलबूते पे ये पर्सन खड़े, एक होता है ना कि खड़ा होना है ना, तो आपके पार्टनर वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर आपके पार्टनर का जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा चंचल होता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर की इच्छाएं बहुत चंचल होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और बहुत ओवर थिंकिंग करने की वजह से ना जैसे होता है ना कि हम छोटी सी बात को सोचते सोचते बहुत बड़ा बना देते हैं, आपके पार्टनर सेम वही कर रहे हैं, छोटी सी बात को सोचते सोचते बड़ा खींच रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत तकलीफ़ देने वाला कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला कनेक्शन। एंड मुझे ये भी फील होता है कि मून की एनर्जी, मून का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के अंदर एक जो होता है ना कि स्ट्रेस में इंसान बैठा होता है, और उसे कुछ सुध-बुध नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, होता नहीं कि जैसे कि ज़िंदगी में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है ना। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके कार्ड्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर देर रात तक, देखो आपके कॉल का मैसेज का इंतज़ार करते हैं, ये पर्सन देर रात तक कहीं ना कहीं आपसे जुड़कर आपसे बातें करके इनको अच्छा फील होता है, लेकिन ये पर्सन देर रात तक आजकल आपके मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं हो सकता है कि आपका कॉल आ जाए, मिस कॉल आ जाए, है ना, ये भी एनर्जी दिखती है।
साथ ही साथ ये पर्सन का बार बार कॉल चेक करना, आपके ऊपर नज़र रखना और कहीं अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना, ये भी नज़र आ रहा है कि आपसे कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जैसे कि अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन अपना मन लगाने की कोशिश आपके पार्टनर के द्वारा की जा रही है। आपके पार्टनर भरपूर अपना मन लगा रहे हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है, मन नहीं लगा लग रहा है तो क्या करें, है ना। तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है आपके पार्टनर को, आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो डिस्टर्ब चल रही हैं, आप दोनों के बीच में जो बातें हैं वो थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में टू ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि देखो आपसे जो रिश्ता जुड़ा है ना, ये रिश्ता ऐसे जुड़ा है जिसे कह सकते हैं कि ये रिश्ता ऐसे जुड़ा है ना, जिसको कहते हैं ना कि जुड़ गया है तो बस जुड़ गया है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक तरीके का जो कह सकते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो यस, एक तरीके का अपना रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि कितने टाइम तक ये पर्सन जो है ना आपसे दूर रहेंगे, कितने टाइम तक अपनी दूरी को बना के रखेंगे, ये भी एक बात है कि दूरी को भाई इतना ज़्यादा बना के रखना भी ठीक नहीं है ना। आपके पार्टनर लगातार सोच विचार कर रहे हैं और ये ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे इनको इनको अंदर से क्रेविंग हो रही है कि भाई आपसे बात हो जाए, आपसे बात करनी है। आपसे बात करके ना दिल को सुकून मिलता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिल को सुकून मिलता है आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनको आपसे बात करनी होती है, क्योंकि इनका जो दिल है ना वो बार बार आपको कहता है कि अरे यार वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, क्या कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सर्च कर रहे हैं। और ये पर्सन को अंदर से एक होता है ना कि जैसे कि पॉजिटिव सी फीलिंग आती है कि नहीं यार कुछ भी कहो उसके जैसा कोई नहीं है। स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग एनर्जी, स्ट्रांग वे में आपकी तरफ आना, स्ट्रांग वे में आपसे बात करना, स्ट्रांग वे में जो है आपको अपने मन की बातें कहना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर स्ट्रांगली जो है ना, एक होता है ना कि नए कनेक्शन में जाना और नई नई चीज़ें करना, ये भी दिख रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी स्ट्रांग वे में, देखो शादी वादी का भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है, मैरिज का कमिटमेंट देना भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि मैरिज की बातें इनके मन में आ रही हैं और कहीं इनके मन से वो बातें निकल नहीं पा रही है मैरिज की। तो यस, ये पर्सन मैरिज भी कर सकते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट देने की बात आ रही है, कमिटमेंट देना है आपके पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कमिटमेंट से पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कमिटमेंट देना है आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर कमिटमेंट दे के ही रहेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है ना, ये ऐसा रिश्ता बन चुका है ना जिसको कहते हैं ना कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बताता है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है ना, वो बार 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 यही कहता है कि आप इनके लिए हो, ये आपके लिए है, ठीक है, आप इनके लिए हो, ये आपके लिए है, इनका दिल बार बार कहता है। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बेचैन होते रहते हैं, इसलिए ये पर्सन जो है ना बार 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 आपकी तरफ आने को एकदम बेचैन रहते हैं। ये पर्सन का मन बार बार कहता है कि नहीं यार कुछ भी हो, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, वो जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये पर्सन का मन बार बार कहता है, इस पर्सन का दिल बार बार कहता है। ये पर्सन बार बार अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं यार इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा सोचोगे ना तो आपका दिल दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करो और कुछ नहीं, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग गाइज,
कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। और थोड़ी सी आज मैं थक गई हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं वास्तु करने आज जाऊँगी, और मतलब मैं थक जाती हूँ जिस दिन जाती हूँ ना वास्तु करने, पूरा दिन लग जाता है मेरा। ठीक है, तो इसलिए शाम को रीडिंग नहीं मिल पाई है मेरे दूसरे चैनल पे, क्योंकि मैं बाहर थी और उस वक्त मैं आई नहीं थी, 7 बजे तक मैं नहीं आई थी, तो मैं रीडिंग नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसलिए लेट रीडिंग मैंने करना सही नहीं समझा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग में यहीं पे विराम लगाते हैं, और मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।